का एक दैत्य हुआ, नाम है तारकासुर। कब? जब भगवान शंकर की पहली पत्नी जिसका नाम था देवी सती, जिसका नाम था देवी, आप जानते हैं, कनखल नाम के नगर में बिना बुलाए अपने पिता के घर गई। बिना बुलाए अपने, देखो छह जगह ऐसी हैं जहां से निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बाप के घर, गुरु के घर, राजा के घर, मित्र के घर, भगवान के घर और संत के घर, यहाँ निमंत्रण की कोई जरूरत। लेकिन अगर वहां जाकर के कुछ अपमान होने का खतरा हो, भले कितना ही प्रेम हो, वहां जाना नहीं चाहिए। तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में जावत हर्ष न उपजे, नैनन बरसे ना ने, जहां जाने से प्यार ना मिले वहां जाना। अच्छा एक बात बताओ, आप अमरनाथ जी में आए हो, किस लिए आए हो? आपको भगवान से प्यार होगा तभी आए हो कि ऐसे ही आ गए मुंह उठा के? ईमानदारी से बताना, भगवान से प्यार है तभी तो आए हो? जिसको भगवान से प्यार होता है उसको निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां आकर के अपमान होने का डर हो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, इस दुनिया में जितने भी दरवाजे हैं सब दरवाजों पर कभी ना कभी अपमान होने की संभावना है, सब दरवाजों पर अपमान होने की संभावना है, एक ही दरवाजा ऐसा है जहां आकर के आपका अपमान नहीं होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपका सम्मान सदा के लिए बढ़ जाएगा, वो है शंकर जी का दरवाजा। अपने पिता के बिना बुलाए देवी सती यज्ञ में गई, कथा आप जानते हैं, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डाल दी। भगवान शंकर ने शरीर उठाया कांधे पर, जला हुआ शरीर कांधे पर उठाया और महाराज भ्रमण करने लगे त्रैलोकी में। लेकिन जितने दिन तक, ध्यान देने की बात, शंकर जी त्रैलोकी भ्रमण करते रहे, श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों उतने दिन तक इस धरती पर किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, उतने दिन इस धरती पर किसी की, शंकर जी जब तक घूमते रहे कोई मरा ही नहीं। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी, लेकिन नहीं ना, लोग पैदा होते रहे और मरना बंद हो जाए फिर तुहानू बैठन नू भी थां नहीं मिलनी हैगी, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाए कहां बैठो। अरे घर के लोग नहीं मरे तो घर में फौज इकट्ठी नहीं हो जाएगी क्या? मरने भी चाहिए और जन्मने भी चाहिए। आपने कभी मकान बनाया हो, कभी दुकान बनाई हो, जब लेंटर डालता है ना मिस्त्री, क्या डालता है? तो एक छोटा सा छेद छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? छेद। क्यों? कि जो पानी बरसेगा उसकी निकासी की भी कोई जगह होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जन्म भी जरूरी है तो मृत्यु भी जरूरी है। अगर किसान को आप कहो, जो किसान कोई जिम्मेदार खेत में फसल काट रहा हो, क्या काट रहा हो, आप उससे जाके कहो भैया रे अगर तुझे फसल काटनी थी तो फिर बोई काहे को थी, पटियाले वाले, अगर फसल काटनी ही थी तो फिर बोई क्यों? तो किसान क्या कहेगा कि महाराज अगर काटेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? काटेंगे नहीं तो जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुमको तुम्हारे कर्म का भोग मिलने वाला नहीं है। कई प्रकार के जन्मों में जाकर के ही आप अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। मृत्यु होनी बंद हो गई, देवता बड़े चिंतित हो गए कि धरती तो पाताल में चली जाए, क्या किया जाए। श्री हरि विष्णु जी को प्रार्थना की, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? और ध्यान देना, जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां भगवान शंकर भैरव के रूप में प्रकट हो गए। किसके रूप में? 52 शक्ति पीठ बने और 52 ही भैरव बने।